हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर का क्विज। आज है 3 जुलाई, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को बिना देखे ही सबसे पहले उसको डिसलाइक कर देते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप डिसलाइक करिए, लेकिन आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन आप पहले ही डिसलाइक कर देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है कितने, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, आप अपने आंसर को कमेंट में लिख के बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। किस कंपनी ने 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो उस कंपनी का हमें नाम बताना है जिसके 74 जो अधिकारी है वहां के, वो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की जिलो मूल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है, तो इनका नाम बताना है कि ये महिला कौन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और इस पोर्ट को कितने साल हो गए हैं बने हुए, ये भी अगर आपको आ रहा है तो आप बताइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्किल रजिस्टर किसने लॉन्च किया है, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। बाफ्टा करने अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार किसी इंडियन को बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, ये ब्रिटेन की संस्था है, तो यहाँ पे पहली बार किसी भारतीय को बनाया गया है इसका अध्यक्ष, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है, इस एनजीओ का नाम बताना है, और किस लिए जीता है ये भी अगर आपको आ रहा है तो ये भी कमेंट में लिख के आप बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, ठीक है। सोशल मीडिया से मतलब कि जो भी आपका ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीजें, उनसे सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन है, ठीक है। तो सेलिब्रिटी के बारे में बताने, मतलब कौन सी हीरोइन है वो। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किस प्रदेश में शुरू किया गया है यह कार्यक्रम, ये आपको बताना है। तो मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड, और अगर आप क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप बताइए, नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ सारी चीजों को डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो ये कंपनी है इंफोसिस, ठीक है। ठीक है, ये इंडिया की आईटी कंपनी है, ठीक है। कौन सी कंपनी है, आईटी कंपनी, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसके सीईओ कौन है इस टाइम। इसके सीईओ है सलील पारेख, और इसके जो फाउंडर थे, जो जिस जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी, उनका नाम है नारायण कृष्णमूर्ति। लेकिन इनका नाम यहां से पूरा है एनआर नारायण कृष्णमूर्ति, ठीक है। अब ये बना कब था, ये बना था 7 जून 1981 को, ठीक है। ये कहां पे बना था, ये बना था पुणे में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलोर में, ठीक है। कहां है, बेंगलोर में। उसके बाद हम आते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन पे, किस देश की जिलो मूल मैरियट बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है, तो ये है अपने भारत की, ठीक है। ये किस देश की है, ये है भारत की, ठीक है। अब हम आते हैं 3rd नंबर, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 7 ज्वालामुखी को चढ़कर फतेह कर लिया, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। क्या नाम है, सत्यरूप सिद्धांत, ठीक है। अब हम आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है, तो
रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, ठीक है। और इस पोर्ट को कितने साल हो गए, 150 साल, ठीक है, कितने हो गए, 150 साल। उसके बाद देखिए बहुत अपने इंडिया में कितने मेजर यानी कि मुख्य बंदरगाह हैं, वो है 13, ठीक है। और एक नया कौन सा बना, पहले 12 थे, अब एक बना है वधावन, ठीक है। तो वधावन बंदरगाह ये कहाँ पे है, ये आपका है मुंबई में, ठीक है। और कुछ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है कांडला पोर्ट। कौन सा है, कांडला पोर्ट, ये कहाँ पे है, यह है आपका गुजरात, ये सबसे व्यस्त, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यस्त है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जिसे नौवा सेवा कहते थे, ये कहाँ पे है, यह है महाराष्ट्र में। और एक है विशाखापट्टनम पोर्ट, तो विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है मोर मुगाओ पोर्ट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मोर मुगाओ पोर्ट, यह है आपका गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। अब हम आते हैं फोन नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए रजिस्टर लॉन्च किया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में अब हम एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम था होप पोर्टल, ये बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद है यहाँ के नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद है पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, मैं नेशनल पार्क नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। खीर गंगा, ठीक है, खीर गंगा हो गया। उसके बाद हो गया इंदर किला, ठीक है, इंदर किला नेशनल पार्क। तो ये सब हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है, तो आप ये बताएंगे बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। इनका नाम है कृष्ण इंदु मजूमदार, कृष्ण इंदु मजूमदार, ठीक है, कृष्ण इंदु मजूमदार। अब ये बाफ्टा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है, तो ये एनजीओ है सीड्स, ठीक है। अब देखिए सीड्स का काम क्या है, ये बिहार और झारखंड में काम करती है। क्यों काम करती है, जो हमारे आजकल के युवा हैं, युवा क्या है, युवा बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो तंबाकू का सेवन करने लगते हैं, तो इस चीज से बचाने के लिए, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, युवाओं को तंबाकू से बचाना, ठीक है, इसलिए ये संस्था, ये एनजीओ काम करती है बिहार और झारखंड में, ठीक है, क्योंकि युवा इस टाइम आप जान ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए, तंबाकू से बचाने के लिए ये एनजीओ काम करती है। तो इस एनजीओ का नाम है सीड्स और इसे WHO के क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, ठीक है। WHO के जो महानिदेशक है उनका क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रोस अदानोम, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये किस देश के हैं, ये है पुर्तगाल के, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस देश के हैं, पुर्तगाल के। उसके बाद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है, ये है लियोनल मेसी, ठीक है। और ये किस देश के हैं, अर्जेंटीना, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा, अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद एक खिलाड़ी और है जो है नेमार, ठीक है, नेमार किस देश के हैं, ये हैं ब्राजील के, कहाँ के हैं, ब्राजील के। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है,
मनाया जाता है 6 जून को, ठीक है। अब जितनी भी भाषाएं मनाई जाती है मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज डे, ठीक है। और दो बता दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं सकता। 20 मार्च को एक और मनाया जाता है फ्रेंच भाषा दिवस, ठीक है, वो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अरबी भाषा दिवस। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन है, तो ये है काइली जेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये महिला है तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, काइली जेनर, ठीक है। अब फोर्ब्स ये किस देश की पत्रिका है, ये है यूएसए की, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसए किस देश की पत्रिका है, तो यह है यूएसए की। थैंक्स मॉम नामक का वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और वहां के जो गवर्नर थे उनकी कुछ तबीयत खराब है, तो जो यूपी की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल उनको ही अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है मध्य प्रदेश का भी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे उन सबको मैं लिख दे रहा हूँ, चरण पादुका पहल, चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, उसके बाद आता है टॉप पेरेंट ऐप, फिर आता है संकल्प योजना, ये किसके लिए था, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद है जन कल्याण संबल योजना, सारी योजनाएं कहाँ चली गई थी, ये चली गई थी मध्य प्रदेश में। तो दोस्त ये हो गया वीडियो, और वीडियो को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए वीडियो को। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।